अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। क्या दोस्तों, आप लोग प्लान कर रहे हैं कि भाई आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर कोई फ़ोन चाहिए और काफ़ी हेल्दी कंपटीशन हो चुका है बजट रेंज के अंदर, जिसके बाद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई कौन सा फ़ोन बेटर होगा कौन सा नहीं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि भाई आपको 15 से 20 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर कौन से फ़ोन कंसीडर करने चाहिए। और जब से भाई रेडमी और रियलमी ने हेल्दी कंपटीशन बनाया, इवन टेक्नो और इन्फिनिक्स ने भी हेल्दी कंपटीशन बनाया, तब से लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। तो आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको किस कैटेगरी में कौन सा फ़ोन लेना और किस कैटेगरी में कौन सा फ़ोन बेटर देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, सबसे पहले फोन की बात करूं तो भाई मैं सबसे लेटेस्ट फोन रखूंगा, बिकॉज यहां पर डिजाइन भी अच्छा मिल रहा है, प्राइस सेगमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि जो 20,000 रुपए का रेंज है ना, 15 से 20,000 की रेंज के अंदर, इसमें कई दोस्त ऐसे भी हैं जो कि एक सेकेंडरी फोन लेना चाहते हैं, उनका बजट बहुत टाइट होता है, वो 500 रुपया भी ज्यादा नहीं डाल सकते। तो सबसे पहला फोन जो है वो प्राइस की वजह से मैं रख रहा हूं, और बाकी स्पेसिफिकेशन की भी बात करता हूं और डिजाइन की भी बात करता हूं, वो है रेडमी का 9C जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सबसे पहली वजह यह है कि भाई 2GB और 32GB हमें 16,000 रुपए की रेंज में मिलता है। डिज़ाइन हमें पिक्सल के डिवाइसेस जैसा देखने को मिल जाता है, जो कि 4A गूगल की डिवाइसेस हैं, 4A और 4 जैसा डिज़ाइन है। रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप को लगाया गया है जो कि इस तरह के फ्रेम में आता है, स्क्वायर शेप में, और आपको एक फ्लैशलाइट मिल रही है, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रही है, AI कैमरा की ब्रांडिंग है। एक ही फ्रेम में बनाया गया फोन है, लाइट वेट फोन बोलूंगा, स्लिम फोन बोलूंगा इस रेंज का। जिनको स्लिम फोन पसंद आता है उनके लिए काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। ऊपर की साइड पर 3.5 का जैक रखा गया है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर कीज, जो कि लोकेशन काफी बेटर नजर आती है मुझे। वहीं स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB की कनेक्टिविटी, और आपको एक माइक देखने को मिल रहा है। और बात की जाए कुछ डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.53 इंचेस का आपको एक फ्लैट सरफेस डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 720p पिक्सल्स के साथ आता है, 269 का PPI रखा गया है, 400 के ब्राइटनेस निट्स भी निकल कर आते हैं। और यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की कोई मेंशन नहीं की गई प्रोटेक्शन, तो मैं गोरिल्ला ग्लास को मेंशन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन अगर डिस्प्ले की बात करूं तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अगर बजट रेंज को देखा जाए। नॉर्मली हमें बजट रेंज के अंदर सारे 720p पिक्सल वाले फोन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि 1080p वाला भी हमने एक फोन डाला है, बट वो प्राइस सेगमेंट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। लेकिन अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक नया चिप मिल रहा है, जिसमें हम कहेंगे थोड़ी सी गेमिंग को इम्प्रूव किया गया है। आपको मीडियाटेक हीलियो G35 देखने को मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर स्केल पर बना गया है। 2.3 ऑक्टाकोर क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है, जो कि कोर्टेक्स A53 पर काम करती है। और वहीं GPU को थोड़ा सा यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइज किया गया है, आपको फ्रीक्वेंसी रेट GPU में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। पावर VR ROG 8320 का GPU रखा गया है, दो वेरियंट्स हैं, 2GB 32GB और 3GB और 64GB, जो कि 18,000 रुपये की प्राइस सेगमेंट में। और अगर आज से कुछ 6-7 माह पहले जाया जाए तो इस रेंज के अंदर सिंगल कैमरा सेटअप, क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहे थे, तो यहाँ फाइनली आपको एक ऑक्टा कोर चिप मिल रही है, जो कि परफॉर्मेंस में नो डाउट अच्छी निकल कर आती है। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, MIUI 12 हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है पहले की निस्बत। नए नए गैस्टर, कुछ एनिमेशंस भी हमें देखने को मिलती हैं, और मैं ये कहूँगा कि ये Xiaomi की जीत है भाई, कि Xiaomi के फ़ोन्स के जो फॉलोअर्स हैं उनको इनका ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा मिलता है, और ख़ासकर अपडेट्स जो हैं वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और पाकिस्तानी रीजन में कोई ब्लॉटवेयर भी नहीं मिलते जो कि प्लस पॉइंट बनाते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई PUBG आप खेल सकते हो अगर आप नॉर्मल प्लेयर हो, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप अच्छे प्रो प्लेयर हो तो भाई यहाँ पर आपको वो ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे, आपको लो और मीडियम वाले ही ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे मैक्सिमम। लेकिन गेम प्ले थोड़ा सा स्मूथ निकल कर आया अगर हीलियो P22 को कंपेयर किया जाए हीलियो G35 के साथ, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि गेम प्ले थोड़ा सा इंप्रूव है। हाँ, अगर आप PUBG लाइट वगैरह खेलते हो, या अगर आप खेलते हो भाई S9, और अगर आप PUBG सर्विस सरफ्राइज टाइप की कोई गेम खेलना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ठीक एक्सपीरियंस होने वाला है। डे टू डे यूजेज में भी आपको कोई लैग और कोई भी आपको बग्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। कैमरास की बात की जाए तो बजट रेंज का फोन है, 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, बैक पर 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के ही आपको सेंसर मिलते हैं। मैक्सिमम 1080p 30fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वीडियोस की, डे लाइट में ठीक काम करता हुआ नजर आएगा, लेकिन बजट रेंज का फोन है, लो लाइट में थोड़ा सा आपको जरा फील होगा। लेकिन ओवरऑल आगे चल के मैं पांचों फोन की पिक्चर्स की बात करूंगा कि मुझे कौन सा फोन बेटर लगा कैमरा कैटेगरी में, कि कौन सा नहीं। 5000mAh की बैटरी, 10 वाट की चार्जिंग रखी गई है, कलर्स ऑप्शन आपको 2-3 मिल जाती हैं, जहां पर आपको ऑरेंज कलर भी मिलता है अगर फीमेल कोई कंसीडर करना चाहे नए डिजाइन के साथ, ग्रे कलर भी मिल जाता है, और आपको ये ब्लू कलर भी देखने को मिल जाता है।
ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई स्लिम लाइटवेट निकल कर आता है, और अगर आपको कोई लाइटवेट फोन चाहिए और 16,000 रुपए की आपकी रेंज है तो 2GB 32GB आप कंसीडर कर सकते हैं, और अगर आपकी रेंज है 18,000 रुपया तो आप जरूर 3GB 64GB को कंसीडर कर सकते हैं। अभी ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है किसी फोन के साथ आपका एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फोन के साथ आपका एक्सपीरियंस बेटर नहीं होने वाला। सेकेंडरी फोन रखना है तो काफी अच्छी यहां पर आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर वाले फोन की बात करें तो भाई ये उन लोगों के लिए जिनको गेमिंग अच्छी करनी है, वो है Realme C3। अब पाकिस्तानी मार्केट में ऑफलाइन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, खैर ऑनलाइन भी एक ही मिलता है, 3GB 32GB, रिटेल प्राइस 20,000 है, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको 19,000 के राउंड अबाउट देखने को मिल जाता है। रियर इसका भी पॉलीकार्बोनेट स्टफ है, थोड़ा सा रफ एंड टफ बनाया गया, फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन कैमरा डिजाइन थोड़ा सा पुराना मिलता है, जहां पर वर्टिकल शेप में आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल रहे हैं। रियलमी की ब्रांडिंग एक ही फ्रेम में फोन बनाया गया है और 20:9 की रेशियो में मिलता है, तो थोड़ा सा हैंडी जरूर निकल कर आता है, लेकिन लंबा जरूर है फोन। ऑन ऑफ की आपको राइट साइड पे मिल जाती है, वॉल्यूम रॉकर सी है, आपको लेफ्ट साइड पर वहीं पर सिम ट्रे मिल रही है, बॉटम की साइड पर माइक्रो यूएसबी की कनेक्टिविटी है, स्पीकर ग्रिल रखा गया है, 2 माइक है, और एक आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो यहाँ भी भाई 270 के PPI और 720p का पिक्सल देखने को मिल जाता है, पर थोड़ा सा ब्राइटर डिस्प्ले मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, तो यहाँ पर डिस्प्ले ब्राइटनेस डे लाइट में काफी अच्छी विजिबिलिटी हो जाती है। ड्यू ड्रॉप नॉच है, बेजल्स आपको कम मिलेंगे, बट चिन आपको बजट रेंज के सारे फोन में देखने को मिल जाती है। ओवरऑल विजुअल एक्सपीरियंस इंडोर लाइट में इन सब फोन्स का ठीक है, 720p पिक्सल का, बट डे लाइट में थोड़ा सा आपको अनब्राइटेड डिस्प्ले जरूर सारे फोन्स का देखने को मिलेगा। लेकिन इस फोन को दूसरे नंबर पे रखने की वजह सिर्फ इस फोन का पबजी गेम प्ले है, बिकॉज ये वाहिद फोन है 19,000 रुपये की रेंज में जहां पर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट भी मिल जाता है, टर्बो मोड भी मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा गेम प्ले जो है वो आपको ये प्रोवाइड करने वाला है पबजी को लेके, खासकर पबजी को लेके। लेकिन अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो मीडियाटेक हीलियो G70 2.0 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, माली का GPU देखने को मिल जाता है, 3GB 32GB का एक ही रैम और रोम का वेरिएंट है, डेडिकेटेड स्लॉट आपको सारे फोन में आप बजट रेंज में भी मिलती है, जहां पर आप मेमोरी भी एक्सटेंड कर सकते हैं। 3GB से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा पबजी गेम प्ले के लिए। ओवरऑल गेम प्ले काफ़ी स्मूथ है, हाँ जायरो में कभी कभी डिले ज़रूर मिलेगा आपको, ये जो 20,000 रुपये के नीचे वाले फ़ोन है उनमें आपको जायरो में जरूर डिले मिलेगा, अगर आप जायरो के प्लेयर हैं तो फिर आप कोई और फ़ोन कंसीडर कर सकते हैं। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रंट साइड पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, रियर पिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और 2 मेगापिक्सल का ही आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है। रियर और फ्रंट से आप मैक्सिमम 1080p 30fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फिर कहूंगा बजट रेंज का फोन है। डे लाइट में तो ठीक काम करेगा, लेकिन इंडोर लाइट में या थोड़ा सा डार्क इमेज होगा तो डार्क लाइट्स होंगी तो फिर आपको थोड़ा सा इशू फील होने वाला है। 5000mAh की बड़ी बैटरी रखी गई है और माइक्रो USB की कनेक्टिविटी है, तो 10W की चार्जिंग मिलती है, कोई भी फास्ट चार्ज का आपको इस फोन में सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दूसरे नंबर पे रखने की वजह सिर्फ पबजी गेम प्ले है, बाकी कैमरा कैटेगरी हम थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं। तीसरे नंबर वाले फोन की बात करें, अगर आपकी रेंज 20,000 रुपया है तो आपको 100-200 के डिफरेंस से एक वाहिद फोन मिलने वाला है पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, जो कि सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन के साथ आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मिलेगा, लेकिन 3GB 32GB का वेरिएंट, वो है Redmi 9। अब इसको मैं पहले नंबर पे भी रख सकता हूँ अगर मैं 20,000 रुपये की रेंज रखता हूँ, बिकॉज इस फोन के अंदर हमें प्रोसेसर MediaTek Helio G80 मिल जाता है, जो कि हमें 30,000 रुपये की रेंज से ऊपर देखने को मिलता है, और 1080p का आपको एक ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इस फोन का भी आपको रफ एंड टफ बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टेक्सचर पैटर्न मिलता है, वर्टिकल शेप में कैमरा सेटअप है जो कि बिल्कुल सेंटर में रखे गए हैं, यहाँ आपको एक अलग से कैमरा देखने को मिलता है, 3 कैमराज का, तो आपको 4th कैमरा भी मिलता है, मतलब आपको क्वाड कैमराज मिल जाते हैं। रेडमी की ब्रांडिंग है, एक ही फ्रेम में बनाया गया फोन है, हैंडफील ये भी 20:9 की रेशियो के साथ आता है, तो कंफर्टेबल फील होगा आपको, और यहाँ पर आपको ऑन ऑफ की वॉल्यूम रॉकर की मिल जाती है, ऊपर की साइड पर IR ब्लास्टर मिल जाता है जो कि प्लस पॉइंट बनाता है, माइक भी रखा गया है, इस साइड पर सिम ट्रे है, यहाँ आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी, यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है, 3.5 का जैक मिलता है, और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ भाई आपको 6.6 इंचेस का एक अच्छा खासा 1080p वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक बड़ा डिस्प्ले बोलूंगा, और 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है। PPI की बात की जाए तो 390 के PPI है, थोड़ा सा डेलाइट में विजिबल 1080p जैसा नहीं होगा, जहाँ पर हमें 400 या 409 वाले जो हैं वो हमें PPI मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल विजुअल एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर है इंडोर लाइट को भी लेके। गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रंट वाली साइड पर, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बनाती है रेडमी 9 के साथ। और वहीं इस फोन का मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर ये है कि आपको MIUI 11 मिल रहा है, बट आपको आगे जाके MIUI 12 भी देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी बेटर निकल कर आती है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ बग्स वगैरह आते रहते हैं तो Xiaomi अपने सॉफ्टवेयर के अपडेट के थ्रू सॉल्व करता रहता है। यहाँ भी आप अल्ट्रा फ्रेम रेट पर खेल सकते हैं मीडियम ग्राफिक्स के साथ, तो गेम प्ले आपको यहाँ पर पबजी को लेकर काफ़ी बेटर मिलने वाला है। बाकी अगर आप पबजी प्लेयर नहीं है, आपको गेमिंग नहीं लेनी, तो भाई आपको ये सारे फोन डे टू डे यूजेज में अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक गेमिंग के लिए फोन देखना है तो अगर आपका 20,000 रुपये का बजट है तो आप रेडमी 9
को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, रियर पर आपको 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर रखा गया है और एक आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है। रियर और फ्रंट से मैक्सिमम 1080p 30fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पिक्चर्स हम आगे जाके बात करते हैं। 5000mAh की बड़ी बैटरी रखी गई है, टाइप सी की कनेक्टिविटी और फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है और कलर ऑप्शन भी आपको 3 देखने को मिलती है, ग्रीन, पर्पल और ग्रे। तो कलर ऑप्शन भी आप पर जो है आपको थोड़ा सा नंबर ऑफ वैरायटी ज्यादा देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो अगर मेरे पास 20,000 हो और मैंने गेमिंग फोन लेना हो, 1080p रेजोल्यूशन लेना हो, तो मैं रेडमी 9 को जरूर कंसीडर करूंगा, क्योंकि यहां पर UI भी अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाता है, कैमरा ठीक है, इतना अच्छा नहीं बोलूंगा लेकिन बजट रेंज को देखा जाए तो काफी बेहतर निकल कर आता है। अब बात करते हैं अपने चौथे फोन की। चौथा फोन कैमरा कैटेगरी की वजह से रखा है भाई हमने और डिजाइन की वजह से रखा है, वो है टेक्नो का कैमन 15। अब इसको चौथे नंबर पे रखने की वजह यह कि ये भी आपको ऑफलाइन मार्केट में 4GB 64GB के साथ 20,000 में मिल जाता है। सिर्फ UI से कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ब्लॉटवेयर जरूर देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रोसेसर भी यहाँ पर Helio P22 रखा गया है जो कि थोड़ा सा पुराना है और काफी क्रिटिसाइज करते हैं हम अपने चैनल पर कि एटलीस्ट अब इन्फिनिक्स और टेक्नो को चाहिए कि भाई Helio P22 को जो है टाटा टाटा बाय बाय कह दे। इन फ्यूचर आप देखेंगे बहुत सारी डिवाइसेज, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में यही अवेलेबल है। डिजाइन की बात की जाए तो उन लोगों को बहुत पसंद आने वाला है जिनको ग्लॉसी लुक चाहिए और खूबसूरत लुक चाहिए, खासकर फीमेल्स जिनको कलर वैरायटी भी चाहिए। गोल्डन कलर मिलता है, वॉयलेट कलर मिलता है और एक आप ग्रीनिश टाइप का कलर भी देखने को मिलता है। रियर पर फिंगरप्रिंट सेंसर, टेक्नो की ब्रांडिंग और आपको लाइनिंग वाला भी स्टफ देखने को मिलता है। कैमरा बम्प लेटेस्ट मिल जाता है जहां पर 4 कैमराज और क्वाड LED लाइट लगाई गई है। ये भी फोन एक ही फ्रेम में बनाया गया, ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर कीज, इस साइड पर सिम ट्रे है, बॉटम की साइड पर माइक्रो USB है, कोई भी फास्ट चार्ज की सपोर्ट नहीं है, साथ ही स्पीकर ग्रिल, माइक और एक 3.5mm का जैक रखा गया है। डिस्प्ले की बात की जाए तो ये वाहिद फोन है 20,000 रुपये की रेंज के अंदर जहां आपको एक अच्छा डिस्प्ले, स्मूथ डिस्प्ले विद पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है, साइड पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक पंच होल कटआउट देखने को मिलता है। कलर रेजोल्यूशन की बात करूं तो भाई 720p पिक्सल का 270 का PPI रखा गया है तो ठीक निकल कर आता है, बट गोरिल्ला ग्लास की यहाँ भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मेंशन की गई, लेकिन ओवरऑल टच बजट रेंज को देखा जाए तो काफी स्मूथ निकल कर आता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये Helio P22 के साथ आता है जो कि 2.0 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, MediaTek का हार्डवेयर है, थोड़ा सा पुराना है, Cortex A53 वाली आपको यहाँ पर स्पीड मिलती है, PowerVR 8320 वाला GPU है। यहाँ पर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होता है क्योंकि आपको कुछ एड्स और कुछ ब्लॉटवेयर मिलते हैं। हाई ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.0 देखने को मिल जाता है, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नो इंप्रूवमेंट की तरफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब इंप्रूवमेंट कर लेगा तो हम इसको नंबर 1 पे ले आएंगे, लेकिन जब तक इंप्रूवमेंट नहीं करता नंबर 4 पर ही ठीक निकल कर आता है। 2 वेरिएंट्स मिलते हैं बट 4GB 128GB थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है जो कि 20,000 से ऊपर चला जाता है, बट 4GB और 64GB थोड़ा सा कम प्राइस में 20,000 रुपये की रेंज में मिलता है जहां डिज़ाइन भी अच्छा है। परफॉर्मेंस पबजी को लेके मैं कहूंगा कि आपको लो ग्राफिक्स मिलेंगे यहां पर और गेम प्ले इतना स्मूथ नहीं है Helio P22 का, तो यहां पर पबजी को लेके आप बिल्कुल भी इसको कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंसीडर कर सकते हैं तो वो है कैमरा स्पेसिफिकेशन। अब फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है, बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप जरूर है बट आपको मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का मिलता है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर रखा गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक QVGA सेंसर है, तो वहां आपको थोड़ा सा जरा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ओवरऑल अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो भाई कैमरा इस फोन का मुझे काफी इंप्रेसिव लगा अगर मेरे पास 20,000 रुपये की रेंज हो। 5000mAh की बैटरी है, माइक्रो USB की कनेक्टिविटी है, कोई भी फास्ट चार्ज नहीं मिलता, फिंगरप्रिंट सेंसर सारे फोन के आपको रियर पर देखने को मिलते हैं बट डिजाइन का आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। अब चॉइस टू अप टू यू है कि भाई आपको कौन सा डिजाइन पसंद आता है कि कौन सा नहीं। वेल अपने पांचवें और फाइनल फोन की बात करें जो मेरे पास नहीं है, मैं गिव अवे कर चुका हूं, वो था हॉट 9 प्ले। अब यहां सिर्फ इसको कंसीडर करने की वजह ये है कि जिन लोगों को बड़ी बैटरी बैकअप चाहिए और बड़ा डिस्प्ले चाहिए और खासकर फैबलेट साइज का डिस्प्ले चाहिए, जिनको बच्चों को टैब लेके देनी है और उनको इस प्राइस ब्रैकेट में टाइप 1GB की मिलती है और क्वाड कोर प्रोसेसर मिलते हैं, वो जरूर कंसीडर कर सकते हैं। हॉट 9 प्ले में आपको 6.9 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जहां 720p के पिक्सल्स हैं और आपको 263 का PPI मिल जाता है। बस इस फोन को आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड पाया मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चीता मिलेगा, यहाँ आपको जो लेटेस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम वो देखने को मिलता है बट काफ़ी ज़्यादा लैग और ब्लॉटवेज वहाँ पर मिलेंगे। हाँ, आपको अगर वीडियोज़ देखनी है 720p पिक्सल्स पर YouTube की, या अगर आपने कुछ वीडियो कॉल वगैरह करनी है और बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी करनी है और बड़ी स्क्रीन चाहिए ताकि आईसाइट पर ज़्यादा इफेक्ट ना आए, तो आपको ज़रूर इसको कंसीडर करना चाहिए। फ्रंट साइड पर आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जहाँ डेडिकेटेड फ्लैश लाइट भी है और 13 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर रियर पर मिलता है, बाकी एक आपको लो लाइट सेंसर देखने को मिल जाता है, 3.5mm का जैक भी रखा गया है।
है, 6000 mAh की बैटरी रखी गई है, बड़ी नॉन फास्ट चार्जिंग है, यहाँ पर कोई फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करेगा। और मीडिया टेक का आपको हीलियो A25 मिल जाता है, ऑक्टा को प्रोसेसर जरूर है बट परफॉर्मेंस के हिसाब से इतना अच्छा नहीं होगा, पबजी वबजी को यहाँ बहुत ज़्यादा अगर आप बर्डन डालते हैं तो फोन जो है वो स्लाइटली स्लो हो जाता है। बट पांचवें नंबर पर रखने की वजह सिर्फ इस फोन का बड़ा डिस्प्ले और 6000 mAh की बैटरी है। अब बात करते हैं अपने फाइनल ओपिनियन की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कुछ पिक्चर्स की। अब अगर पिक्चर्स की बात की जाए तो भाई ये सेल्फी पिक्चर्स में मुझे रेडमी 9C का जो 5 MP कैमरा है ना, वो 8-8 MP को भी टक्कर देता हुआ मिला। बहरहाल यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे होंगे, टेक्नो कैमन 15 अपने 16 MP से सेल्फी को अच्छा कैप्चर कर लेता है। उसके बाद अगर नंबर देना चाहूँगा तो भाई मैं रेडमी 9 को दूंगा, फिर आएगा रेडमी 9C, फिर आएगा रियलमी C3, और पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था रियलमी C3 का फ्रंट कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। और पोर्ट्रेट की बात की जाए तो भाई यहाँ पर आपको एक जैसी पिक्चर मिल जाती है, मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि भी रियलमी C3 पे भी अच्छी पिक्चर मिल रही है जो कि AI के थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ की गई है। तो कैमरा कैटेगरी जो है वो इंस्टाग्राम पर भी ये पिक्चर्स को शेयर करूंगा, आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कैमरा में कौन सा है। मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे टेक्नो कैमन 15 कैमरा कैटेगरी में काफ़ी बेटर लगा। रियलमी C3 जो है और जो रेडमी 9 है वो 5 MP से स्लाइटली स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अगर 16000 रुपये की रेंज देखा जाए तो ठीक निकल कर आता है। लेकिन रियर कैमरा की बात की जाए तो ये तकरीबन 3-4 फोन जो है वो 13 MP के सेंसर के साथ आते हैं, और टेक्नो कैमन 15 जो है वो 48 MP एक हायर रेजोल्यूशन वाली आपको पिक्चर प्रोवाइड करता है, तो क्लियरली बीट जरूर करेगा। बट ओवरऑल कलर बैलेंस की बात करूँ, अगर बजट रेंज को देखा जाए तो रेडमी 9C और रियलमी C3 एक तरह की पिक्चर कैप्चर करते हुए कहीं कहीं एक्सपोजर का जो मुझे इशू नज़र आया, व्हाइटेस्ट टोन नज़र आई, वो मुझे रेडमी 9 में हो सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाए। लेकिन पोर्ट्रेट भी आप चारों ही फोन से अच्छी कैप्चर कर सकते हैं। अब इन्फिनिक्स वाले फोन में आपको थोड़ा सा पिक्सेलेटेड जरूर मिलेंगे बट वो इस टाइम है नहीं, तो इसलिए पिक्चर्स मैंने इंक्लूड नहीं की। मैक्रो शॉट में भी मुझे यहाँ पर चारों पांचों फोन एक जैसे लगे, लेकिन टेक्नो कैमन 15 थोड़ा सा ज़्यादा बेटर काम करता हुआ नजर आया, शायद 48 MP कुछ हेल्प करता हो वहाँ पर कल ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से। लेकिन रेडमी 9 ने भी अच्छा काम किया, तो मैक्रो शॉट भी आप कह सकते हैं, पोर्ट्रेट भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। इंडोर लाइट में तकरीबन सारे फोन स्ट्रगल जरूर करते हैं, बजट रेंज के फोन है, लेकिन उसमें भी अगर आपके पास लाइटनिंग कंडीशन है तो आपको अच्छी रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। फाइनल कंक्लूजन एक वर्ड, अगर मेरे पास 16000 रुपया है या 18000 रुपया है और मुझे अच्छी कंपनी का एक ब्रांड का फ़ोन चाहिए जहां मुझे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी मिले, तो मैं रेडमी 9C को चॉइस करूंगा। और अगर मेरे पास 19000 रुपया है और मुझे गेमिंग फ़ोन चाहिए और ठीक है वहां पर हमें प्लेन UI मिलता है रियलमी UI 1.0, तो मैं यहां पर रियलमी C3 की तरफ जाऊंगा। हालांकि रियलमी का हमें दो फोन और भी मिलते हैं C11 और C12, लेकिन गेमिंग को लेके वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ मिलता है, तो वहाँ पर मैं रेडमी 9C को रखना चाहूँगा क्योंकि प्राइस वाइज अच्छा मिल जाता है, 3GB 64GB का वेरिएंट मिल जाता है। उसके बाद अगर मुझे 1080p रेजोल्यूशन चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए 20000 को लेकर, तो मैं रेडमी 9 की तरफ जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर हमें 5000 mAh और टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है और साथ के साथ हमें कुछ फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ डिज़ाइन अच्छा चाहिए और साथ के साथ कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशन अच्छी चाहिए और मैंने पबजी नहीं खेलनी, तो मैं टेक्नो का कैमन 15 की तरफ जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन भी अच्छा है, ग्लॉसी लुक अगर मुझे पसंद आती है तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और अगर मुझे सिर्फ बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, डिस्प्ले बड़ा चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चाहिए, मैंने बच्चों को फ़ोन लेके देना है और ताकि बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाए और वो अपनी वीडियो कॉल या ऑडियो सुनना चाहें, या अगर उनको ट्रैवल कर रहे हैं बड़ा बैटरी बैकअप चाहिए, तो मैं इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले की तरफ जाऊंगा। अब उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये नंबर्स पसंद आए होंगे, और आप लोग क्या सोचते हैं इन फोन्स के बारे में ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने मेरिट पर सिलेक्ट किए हैं भाई, कोशिश करूंगा कि आगे भी इस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूं ताकि आप लोगों को सही गाइडलाइन मिल सके। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प हो गई होगी और आपको पता लग गया होगा किस प्राइस सेगमेंट में कौन सा फोन बेटर है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन फोन के साथ काफ़ी बेटर निकल कर आता है। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ रह गई हो तो भाई उसको इग्नोर कर देना कमेंट सेक्शन में, ये ना कहने के लिए भाई आप ये भूल गए हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और 5 फोन्स को डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत, मैं हूं लिया बात मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।